तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गो जो है वो भी अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए एक मिस्टीरियस आइलैंड पर चला गया है, जहां पर उसको पता है कि म्यू मौजूद है और वहीं पर वो म्यू को कैच करने वाला है। तो बहुत से लोग जो है वो गो को हेट करते हैं और वो चाहते हैं कि गो जो है वो म्यू को कैच ना करे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गो म्यू को कैच कर ले और उसका भी ड्रीम कंप्लीट हो जाए। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गो म्यू को कैच करेगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, गो और एश जो थे ये दोनों वाइट ट्रेनर थे जो कि हमें इस सीरीज में, इस सीजन में इकट्ठे दिखा गए, यानी इन दोनों की जो स्टोरी है वो हमें एट द सेम टाइम देखने को मिली है। एक एपिसोड एश पर होता था तो दो एपिसोड गो पर होते थे, इसी वजह से सभी लोग गो को हेट करते थे कि गो पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एश पर थोड़ा फोकस है, और गो जो था वो ज्यादा पोकेमोन भी कैच करता था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गो को हेट करते थे। तो यहां पर देखिए, अब गो का जो ड्रीम है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एश का ड्रीम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और प्रोमो में हमें इन दोनों की स्टोरी बिल्कुल कंबाइन देखने को मिली है, यानी एक साइड पर गो अपना ड्रीम कंप्लीट कर रहा है तो दूसरी साइड पर एश जो है वो डेंडे को हराने वाला है। तो ऐश ने अब डेंडे को तो हरा लिया, लेकिन अब गो की बारी है, तो क्या वो म्यू को कैच करेगा या फिर नहीं। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि जहां पर वो गया है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आइलैंड है और वहां पर म्यू मौजूद है, और एपिसोड 134 जो है उसमें गो जो है वो म्यू को कैच करने वाला है। वो म्यू को छोड़ेगा नहीं, वो जरूर उसको कैच करेगा, क्योंकि ऐश का ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब यही है कि जो गो है उसका भी ड्रीम इसी एपिसोड में कंप्लीट होगा। और अगर पोकेमोन जर्नीज वालों ने कहा है कि गो का ड्रीम म्यू को कैच करना है, तो फिर इस एपिसोड में, यानी एपिसोड 134 जो है उसमें गो जो है वो म्यू को जरूर कैच करेगा और उसको पोकेडेक्स में रजिस्टर करवा लेगा। लेकिन होगा कुछ यूं कि जो गो होगा वो म्यू को कैच तो कर लेगा, लेकिन उसको वो रिलीज कर देगा फौरन, जैसे उसने सुईकून को किया और रिटर्नेटस को, क्योंकि गो को पता है कि जो म्यू है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोकेमोन वर्ल्ड के लिए, तो इस वजह से वो बस उसको रजिस्टर करेगा। जैसे ही म्यू जो होगा वो रजिस्टर हो जाएगा पोकेडेक्स में, तो गो जो होगा वो उसको छोड़ देगा, यानी जो सुईकून वाला सीन हमें देखने को मिला था उसी तरह ये भी होने वाला है। गो कैच तो म्यू को करेगा लेकिन अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको रिलीज कर देगा। रिलीज यही कि जब उसको कहीं मदद चाहिए होगी म्यू की, तो म्यू जो होगा वो वहां पर आ जाएगा गो की मदद के लिए, लेकिन गो जो होगा वो उसको अपने पास परमानेंटली नहीं रखेगा, उसको कैच जरूर करेगा लेकिन अपने पास नहीं रखेगा। इससे गो का ड्रीम भी कंप्लीट हो जाएगा और जो म्यू होगा वो गो के पास भी नहीं रहेगा और वो पोकेमोन वर्ल्ड की हिफाजत भी करता रहेगा। तो गाइज, आने वाले एपिसोड्स में गो जो है वो म्यू को कैच करने वाला है, लेकिन वो म्यू को रखेगा नहीं, वो म्यू को रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा कैच करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या गो म्यू को कैच करके परमानेंटली अपने पास रखेगा, या फिर वो उसको रिलीज कर देगा, या गो जो है वो म्यू को कैच ही नहीं कर पाएगा। तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।